हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज करते हैं कुछ एक नया काम। ये है स्नेक प्लांट। एक कई तरह के होते हैं स्नेक प्लांट। मैंने कई अपने इंडोर जब प्लांट दिखाए थे तो उसमें भी एक अलग तरह का प्लांट को भी दिखाया था। वो लंबाई में बढ़ते हैं, वो मेरे नीचे इंडोर में लगे हुए हैं, और ये है मेरे टेरेस पे लगा हुआ। पिछली बरसात में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था तो मैंने इसे इस पॉट में लगा दिया था, और अब इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी स्नेक प्लांट में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, देखिए ये छोटा सा इस तरफ दिखाई दे रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाए और प्लांट भी बना लिए जाएं। इस टाइम अगर आपके पास इस तरह के ही इंडोर प्लांट हैं तो उसमें आप ध्यान से देखिए, नीचे नई नई ग्रोथ निकल रही होगी और आप उससे नए प्लांट बना सकते हैं। देखिए एक ये इस तरफ भी निकल रही है और इसमें कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं। तो अब ये थोड़े ही दिन के हैं और अभी फरवरी लास्ट चल ही रहा है, और उसके बाद फिर मार्च के बाद थोड़ी गर्मियां हो जाएंगी। तो अगर आपको इस तरह के काम करने हैं तो ये मैंने हटा दिया है, तो आप फरवरी या मार्च में कर लें, क्योंकि फिर गर्मियों में थोड़ा सा जड़ें बनाने में प्लांट को दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ी गर्मियां हो जाती हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट बने हुए हैं। तो हम इनको इस टाइम अलग कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा प्लांट दिखाई दे रहा है मुझे, और अगर हम इसे अलग कर लेंगे तो ये हमारे गार्डन में थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा। सजावट की दृष्टि से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही सुंदर हैं। और ये देखिए इसकी अलग अलग जड़ें निकल रही हैं, तो इस टाइम आप इनको अलग कर सकते हैं। देखिए कितने सारे प्लांट मेरे बन जाएंगे। ये देखिए ये एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार। इस तरह से चार प्लांट ये बन गए हैं। देखिए अब हम इनको अगर लगा देंगे तो ये इतना बड़ा प्लांट बन जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, और भी इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो और मैंने इससे पहले भी इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स मैंने लगा कर दिखाए थे। बोट लिली का प्लांट, ये फिर मैंने इसको एक ही जगह पर इकट्ठा लगा दिया है, और मैंने कई जगहों पर लगाया है। ये इस तरह से अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, छोटे छोटे पॉट में लगाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और मैं अपने गार्डन को थोड़ा सा सुंदर लुक देने के लिए इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं, और मैंने लिए हैं पॉट्स ये छोटे छोटे वाले ही, और इनमें अब मैं इसको लगा दूँगी। फ्रेंड्स, इसमें पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, और इसको अब थोड़ा सा बहुत गर्मी से बचा कर रखना पड़ेगा। बरसात से ये इसमें ही लगे हुए हैं, और एक इसमें भी लगा देते हैं। आपको पीछे गिलहरियों की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आजकल पूरी टेरेस पे गिलहरियों का ही राज है, सब पेड़ पौधों में वही मंडराती रहती हैं। तो ये देखिए, और एक मैं इसमें लगा दूंगी, ये छोटा सा मिनी प्लांट है। तो इस तरह से इस टाइम आप स्नेक प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं और उन्हें लगा सकते हैं। और ये सबसे मदर प्लांट, जिसके मैंने छोटे छोटे प्लांट लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई इंडोर प्लांट है या कोई प्लांट है तो आप ध्यान से देखिए, उसके नीचे नया प्लांट निकल रहा होगा इस टाइम।
तो आप भी अपने प्लांट को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और मेरी ही तरह बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। तो ये मैंने 4 प्लांट लगा दिए हैं, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कुछ अच्छा सा इस तरह का प्रयास। अगर आपके कोई प्लांट में बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। यही है छोटी सी जानकारी और कुछ सुंदर सुंदर फूलों के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।